प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लस टू ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे गौड़ जनजाति की। गौड़ जनजाति के अंतर्गत हमने देखा था कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, और गौड़ जनजाति हैं। इस जनजाति, ये गौड़ जो शब्द हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, वो शब्द कौन सा था, वो शब्द खोंडा था जिसका हमने अध्ययन किया था। कौन सा शब्द था? खोंडा। और इस खोंडा का अर्थ क्या है? पहाड़ी। इसके बाद में इसके निवास क्षेत्र के बारे में देखा था कि ये कौन से निवास क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, इस प्रकार से ये राजनीतिक क्षेत्र थे। और उसके बाद में हमने भौतिक प्रदेशों की बात की कि कौन से ऐसे भौतिक प्रदेश है जहाँ ये निवास कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने बात की थी सतपुड़ा, मैकाल पर्वत श्रेणी, बस्तर का पठार, सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, ये सारे के सारे हमने बात की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं जो गौड़ जनजाति हैं, उस गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करेंगे। पहला हमने देखा निवास क्षेत्र, दूसरा हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्रियाकलाप। अब देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप की बात करेंगे तो माना जाता है कि ये जो गौड़ जनजाति के लोग हैं, ये लोग आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब खुद पर डिपेंड हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर है। और इनकी जीवन शैली की बात करेंगे तो इनकी जीवन शैली बहुत ही साधारण है। मतलब ये अपना जो जीवन व्यतीत करते हैं, ये बिल्कुल साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय के अंतर्गत कृषि व आखेट, ये क्या हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय कृषि व आखेट। और कृषि के अंतर्गत हम बात करते हैं, एक कृषि का नाम आता है दीपा कृषि। कौन सी कृषि? दीपा कृषि। ये दीपा कृषि क्या है? दीपा कृषि है, आपने नाम सुना होगा झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि को अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये कोई जंगली क्षेत्र है, जंगलों की बात चल रही है, जंगली क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार से वन पाए जाते हैं। उन वनों को ये लोग क्या कर देंगे? काट लेते हैं, काट कर और उनको क्या करते हैं? जला देते हैं। इन वनों को पहले तो काटते हैं, फिर इनको क्या करते हैं? जलाते हैं। और जलाकर उस क्षेत्र को क्या कर लेते हैं? ये बिल्कुल साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं।
और बाद में क्या करते हैं, साफ कर कर फावड़े या कुदाली से इसमें क्या करते हैं, बीज बोते हैं। क्या करते हैं, बीज बोते हैं। और बीज बोने के बाद में ये क्या करते हैं, इसी क्षेत्र में पशु बलि देते हैं। पशुओं की क्या करते हैं, बलि देते हैं। क्यों, क्योंकि ये देवी देवताओं को मानते हैं और उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं, पशु की बलि देते हैं। बलि देने के बाद में क्या हैं, जो बीज बोए हैं और उनमें जो खाद की आवश्यकता होती हैं, वो खाद कहाँ से लेकर आते हैं, ये जो इन्होंने वन जलाए हैं और जलाने के बाद में जो शेष भाग प्राप्त हुआ, वो शेष भाग क्या था, राख। इस राख को खाद के रूप में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार की कृषि करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दीपा कृषि बोल रहे हैं। इसके बाद में क्या है, एक कृषि का नाम और आता है। देखिए, इसके बहुत सारे क्षेत्र थे, मध्य प्रदेश भी था, ओडिशा भी था, और क्या था, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ओडिशा की बात करेंगे, इस क्षेत्रों में अलग अलग क्या है, कृषि पाई जाती है। जैसे मैंने दीपा कृषि की बात की है, एक कृषि का नाम आता है पेंडा कृषि। ये देखिए, आंध्र प्रदेश की कृषि कहा जाता है, साथ साथ में ये कहाँ मिलती हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, वेबर भी कहते हैं, दहिया भी कहते हैं, और क्या कह रहे हैं साथ साथ में, पेंडा कृषि। है क्या है, सिर्फ और सिर्फ झूमिंग कृषि, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत ये क्या करती हैं कि मध्य प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र है इस प्रकार से, और इस पर्वतीय क्षेत्र में ये क्या करेंगे कि ये जो ढाल है, इसी ढाल पर, ये जो आपको ढाल दिखाई दे रहा है, इसी ढाल पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कैसे करते हैं, ये देखिए, इस ढाल पर ये क्या करेंगे, इस पर्वतीय भाग को इस प्रकार से काटेंगे, ये देखिए, इस प्रकार से ये पर्वतीय भाग को काट लेते हैं, और काटने के बाद में आपको कैसा लग रहा है, सीढ़ीदार खेत लग रहे हैं, है ना, सीढ़ीदार खेत। अब जो ये प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये फसलों का उत्पादन करेंगे। तो इन्हें ढालों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसको ये पेंडा कृषि बोल रहे हैं, इसको सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें आर्द्रता बनाए रखने के लिए, क्या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मतलब जल की बात कर रहा है। अगर भूमि में नमी की मात्रा नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन बेहतरीन नहीं होगा। इसलिए ये आर्द्रता बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो वर्षा का जल आएगा, वो वर्षा का जल जैसे ही इस क्षेत्र पे आया, वो जल्दी से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें इन क्षेत्रों में आर्द्रता चाहिए, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ ये सीरा ख़त्म होता है, वहाँ पर लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं, डंठल लगा देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एक बाढ़ नुमा संरचना आपको दिखाई देगी, बाढ़ जैसे। तो अब क्या होगा कि जैसे ही जल आएगा तो वो इस क्षेत्र में संरक्षित हो जाएगा इस प्रकार से, और वो आर्द्रता
कुछ दिनों के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, स्टोर हो जाएगी, और स्टोर होने के कारण फसलों का उत्पादन क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो ये थी पेंडा कृषि। अब देखिए ये कृषि के साथ साथ में क्या कर रहे हैं, खाद्य संग्रहण भी करती, पशु पालन भी करते हैं, वनोत्पाद कंदमूल फल फूल मछली पकड़ना, ये सारे इनके अन्य व्यवसाय हैं। लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करेंगे तो क्या आएगा, कृषि व अखेट आएगा। अब देखिए इनके अंतर्गत क्या है, कुछ विशेष वर्ग होते हैं, जिस प्रकार हमारी संस्कृति में जातियाँ उपजातियाँ गोत्र, इस प्रकार से विभिन्न समुदाय जैसे बंटे हुए हैं, इसी प्रकार से इन लोगों में वर्ग बंटे हुए हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल की हम बात करेंगे, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग, इस प्रकार से वर्गों की हमने चर्चा की है। उसी प्रकार से इनके अंतर्गत, इन गौड़ जनजाति के अंतर्गत कुछ वर्ग पाए जाते हैं, जैसे उन वर्गों के नाम हैं कुरुप, केवट, दीवर, ये वर्गों के नाम हैं। और ये वर्ग जो मैंने लिखे हैं, इन वर्गों के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। जो कुरुक केवट व धीवर वर्ग के लोग हैं, वो लोग क्या कार्य करते हैं, मछुआरा कर्म के कार्य करते हैं, जिसे मछली पकड़ने का कार्य। एक वर्ग और आता है रावत वर्ग। रावत वर्ग का कार्य क्या है, पशुचारण। अब पशुचारण का मतलब है कि जो चारावाहक होता है, पशुओं को चराने के लिए ले जाता है, वो वर्ग कौन सा होगा, रावत। वह दूध बेचना, ये रावत वर्ग का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार से ये आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने मुख्य मुख्य चीज़ें देखी हैं। अब देखेंगे हम अलग अलग, आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह, आभूषण, औजार, ये सारी की सारी चीज़ें हम अब देखेंगे कि कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए हम आखेट की बात करते हैं, हंटिंग। आखेट की बात करते हैं तो इनके मुख्य व्यवसाय में कृषि व आखेट दोनों चीज़ें थी। कृषि की हमने बात कर ली है, आखेट के बारे में देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये जानवरों का शिकार करते हैं। क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। परंतु वर्तमान की दृष्टि से देखें तो राजकीय नियमों के अनुसार क्या है, शिकार पर क्या लगा हुआ है, शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मतलब शिकार करना निषेध है, मना है। राजकीय नियमों का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, कुछ मात्रा में ये लोग क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, कुछ मात्रा में शिकार कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका स्वरूप बदल गया और ये किस व्यवसाय की ओर अग्रसर हो गए, ये हो गए जी कृषि की ओर।
अब अधिकांश जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो क्या बन गए हैं? कृषक बन गए। क्या बन गए हैं? कृषक बन गए। तो ये हमने देखा है अखेट से संबंधित। उसके बाद में हम आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे, भोजन संबंधी, इसकी कि इनका मुख्य भोजन क्या है। भोजन संबंधी बात करते हैं, देखिए इनके मुख्य भोजन की बात करेंगे तो मुख्य भोजन में कोदू व कुटकी, ये इनका क्या है? मुख्य भोजन है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या है? कुछ सब्जियां हैं। सब्जियां वो साथ साथ में क्या करेंगे? सब्जियां साथ साथ में घरों में भी उगा कर रखते हैं। और साथ साथ में कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंगलों से भी ये सब्जियाँ प्राप्त करते हैं। कई बार क्या होता है, इनके फंक्शन होता है, उत्सव होता है, त्यौहार होता है, तो उस समय कौन सा भोजन बनेगा, याद रखना, कौन सा भोजन बनेगा? चावल इनका उत्सव व त्यौहारों पर बनेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे ये भोजन में की बात चल रही है तो शिकार के कारण क्या हैं, ये जानवरों का शिकार करते हैं, या हम कहते हैं कि ये कभी बलि देते हैं, जैसे हमने कृषि में बात की, तो इस जानवर का क्या खाएंगे? मांस भी खाते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये शाकाहारी भी हैं और साथ साथ में ये क्या हैं? मांसाहारी भी हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं और मदिरा से, महुआ से बनी हुई मदिरा शराब का सेवन भी करते हैं। और शराब का सेवन करना क्या है? घातक सिद्ध हो सकता है, है ना? ये बहुत ही गंदी आदत है। लेकिन ये लोग क्या है, इनमें शिक्षा का स्तर क्या है? निम्न है, इसलिए ये लोग समझ नहीं पाते हैं ये ऐसी चीज़ों का। लेकिन वर्तमान संस्कृति से इनका जुड़ाव जैसे ही हुआ है तो ये धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं। तो आखेट और भोजन देखा हमने आर्थिक क्रियाकलाप में। आगे हम बात कर रहे हैं इनके वस्त्र और इनके आभूषण की। वस्त्र व आभूषण, वस्त्र व आभूषण की बात करें तो देखिए गौड़ जनजाति के लोग वस्त्र, वैसे तो सूती वस्त्र भी होते हैं, ऊनी वस्त्र भी होते हैं, रेशमी वस्त्र भी होते हैं, लेकिन जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो कौन से वस्त्र पहनते हैं, याद रखना, किस प्रकार के? सूती वस्त्र पहनते हैं। किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र। पुरुष और स्त्री दोनों के वस्त्र अलग हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती। और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। क्या पहनती हैं? साड़ी। पुरुष व स्त्रियां दोनों अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती पहनते हैं। और दोनों ही, सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी साथ साथ में क्या करेगा? चांदी व एल्यूमिनियम, इन धातुओं से बने हुए आभूषण भी पहनते हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व पीतल के बने हुए गहने या आभूषण भी क्या करते हैं? पहनते हैं। स्त्रियां क्या करेगी? कांच की चूड़ियां, रंग बिरंगी जो चूड़ियां होती हैं वो पहनती हैं। गले में क्या करेगी? मणके, मणके मतलब जो मोती होते हैं, उन मोतियों की क्या करती हैं? माला पहनती हैं।
तो ये इनके आभूषण की बात होगी। इनके लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियां जूड़े के अंतर्गत इस प्रकार का पीछे जूड़ा होता है और उस जूड़े में लंबे लंबे बांस के इस प्रकार से सफ़ेद कंगे लगभग आधे दर्जन कंगे सजाती हैं। बांस के कंगे होते हैं जूड़े के अंतर्गत इस प्रकार से सींक जैसा सिस्टम होता है और वो लड़कियां क्या करती हैं जूड़े में सौंदर्य प्रदर्शन के लिए वो लगाती है। स्त्रियां साथ साथ में एक प्रचलन और भी है इनका कि ये क्या करती हैं स्त्रियां गोदना गुदवाती है। गोदना, अब ये गोदना क्या है देखिए, स्त्रियों की कमर की बात करेंगे तो कमर पर क्या करेगी, किसी नुकीले औजार के माध्यम से अपने पीछे के शरीर पर कमर पर क्या करती है, कट लगवाती है इस प्रकार से वहाँ पर जख्म स्थापित हो जाता है और जख्म होने के कारण क्या होगा, वो जख्म कुछ दिनों के बाद में भरने लगेगा और भरने के बाद में वहाँ पर इस प्रकार से एक गहरा क्या हो जाता है, निशान हो जाता है और निशान होने के बाद में क्या होगा कि स्त्रियों के पीछे का जो पार्ट है वहाँ पर एक आपको ऐसा प्रिंट सा दिखाई देगा, एक आकृति सी दिखाई देगी। किससे दिखाई देगी, इस नुकीले प्रहार जो किया है उस जख्म के कारण वो आकृति या आपको प्रिंट दिखाई देगा, वही क्या है, गोदना। आप अपनी बुक में देख सकते हो, उसकी एक पिक्चर आपको दी हुई है बुक में कि कैसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वस्त्र व आभूषण की बात की है। इसके बाद में हम बात करेंगे इससे आगे जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जैसे निवास गृह की बात करते हैं, ठीक है, और इसके बाद में जो औजार हैं बर्तन हैं उनकी हमें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।